नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कर्व्स एंड लाइन, सामान्य वक्र व रेखा व्यष्टि अर्थशास्त्र के। चित्र में आप देख सकते हैं हमने अलग अलग वक्रों को दिखाया है। हमारा जो सबसे ऊपर वाला वक्र है वो एक सरल रेखा के रूप में है, धनात्मक ढाल वाला है। धनात्मक ढाल वाला वक्र क्या दिखाता है? जो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे जो चर लिए हैं उनमें वो धनात्मक संबंध दर्शाता है। अर्थात वाई चर बढ़ता है तो एक्स चर बढ़ता है और वाई चर घटता है तो एक्स चर घटता है। इसी को धनात्मक ढाल कहते हैं। कोई भी ढाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसी से हमारा ये सूत्र बनता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अर्थात चेंज इन वाई एक्सिस एंड चेंज इन एक्स एक्सिस, यही हमारा ढाल होता है। और ढाल को ही परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज कहेंगे। जब भी आप आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे माइक्रो के, तो उसमें आप देखेंगे बढ़ती दर घटती दर। तो ये जो घटती दर बढ़ती दर ये सब है ना, वो ढाल ही है। जब जब एम की बात होगी वो एम ही ढाल है और वही परिवर्तन की दर है। फिर नीचे वाला चित्र हम देखते हैं तो ये ऋणात्मक ढाल को दर्शाता है। ये भी एक सरल रेखीय ऋणात्मक ढाल वाली लाइन है। ये वाई चर और एक्स चर के बीच में क्या दर्शा रही है? ऋणात्मक संबंध। ऋणात्मक संबंध का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। फिर नीचे वाला चित्र हम देखते हैं तो ये है उन्नतोदर। उन्नतोदर बता रहा है, नेगेटिव तो स्लोप है ही, साथ में ये उन्नतोदर भी है कन्वेक्स टू ओरिजिन। इस कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्या होता है कि इसका ढाल नीचे की साइड में हम जाएंगे ना, तो वो ढाल क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। फिर सबसे लास्ट वाला फोर्थ नंबर का आप देखेंगे तो वो है पॉजिटिव कर्व है। इसमें ढाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब हम दाई तरफ आते हैं तो दाई तरफ हम देखेंगे ये कॉनकेव है कर्व, नतोदर कर्व। इसमें क्या होता है? ढाल बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम नीचे की साइड में जाते हैं। ऐसे ही सबसे लास्ट वक्र नीचे की साइड में ये उन्नतोदर कॉन्वेक्स वक्र है। इसमें जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ढाल घटता जाता है। तो ये कुछ सिंपल ढाल और उसके हमने देखे ऋणात्मक संबंध धनात्मक संबंध। नतोदर जब होगा कोई वक्र तो उसमें ढाल बढ़ेगा, और जब उन्नतोदर कोई वक्र होगा तो उसमें ढाल घटेगा। ये ध्यान दें।